जनता का दोबारा विश्वास जीतकर सत्ता में लौटी मोदी सरकार का इस बार और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में भी बड़े और कड़े फैसले ले रही है। पीएम मोदी का विचार यही है कि देश में हर चीज हर किसी के लिए एक हो, एक समान हो, ताकि देश से भेदभाव के कल्चर का हमेशा के लिए सफाया हो जाए और लोगों को भी इसमें आसानी हो। एक देश और एक टैक्स की तर्ज पर मोदी सरकार अब एक देश एक राशन कार्ड ला रही है। 1 जून 2020 से ये पूरे देश में लागू होगी। एक देश एक राशन कार्ड स्कीम का सबसे बड़ा फायदा दैनिक मजदूर, कामगारों और प्रवासी मजदूरों को होगा। मोदी सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना को देश भर में लागू करने से पहले अगस्त 2019 को इसे बतौर पायलट प्रोजेक्ट 4 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में लागू किया था। सरकार को उम्मीद है कि इस स्कीम या योजना के जरिए नेशनल फूड सिक्योरिटी योजना को और अधिक सफल और ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। इस योजना के तहत कोई भी लाभार्थी एक ही राशन कार्ड के जरिए देश के किसी भी उचित मूल्य दुकान से रियायती दर पर अनाज ले सकता है। योजना के लिए लाभार्थी को बायोमेट्रिक आधार कार्ड के जरिए पंजीकृत किया जाएगा, जिसमें एक तरफ बिचौलिए की भूमिका पर पूर्ण विराम लगेगा तो भ्रष्टाचार के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और देश के गरीब बिना कोई टेंशन के इसका लाभ ले सकेंगे।